हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू स्टार कैसेट एयर कंडीशनर के E3 एरर कोड के बारे में। ब्लू स्टार कैसेट एयर कंडीशनर में E3 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्थी होम सर्विसेज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज की न्यू वीडियो देखते रहें। तो गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ब्लू स्टार कैसेट एयर कंडीशनर के E3 एरर कोड के बारे में। ब्लू स्टार कैसेट एयर कंडीशनर में E3 एरर कोड क्यों आता है और किस वजह से आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मेरे पॉइंटों को आपको फॉलो करना है, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये आउटडोर यूनिट से रिलेटेड फॉल्ट नहीं है, तो आपको आउटडोर यूनिट को खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉल्ट आपको इनडोर यूनिट में मिलने वाला है। तो आप इनडोर यूनिट को पूरा खोल दें और इनडोर यूनिट को खोलने के बाद में आपको सिर्फ इसमें ये चेक करना है, जो हमारा इवेपोरेटर कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है, जो हमारा इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर होता है, सिर्फ उसको हमें चेक करना है। उसकी वायर कट तो नहीं गई है सेंसर की, या फिर जल तो नहीं गई, या फिर सेंसर का जो जैक है लगा हुआ होता है कार्ड में वो निकल तो नहीं गया है। तो अगर ये सारा सब कुछ है, अगर ऐसा जला हुआ है वायर तो आप उसको ठीक कर दें, या फिर कटा हुआ है तो भी उसको ठीक कर दें, या सेंसर निकला हुआ है तो एक बार उसको जैक लगा के बढ़िया तरीके से कार्ड में जैक लगा के बढ़िया तरीके से फिर AC को चलाएं, आपका हो सकता है एरर कोड हट जाए। बट गाइस, इतना करने के बाद भी आपके कैसेट एयर कंडीशनर में एरर कोड देखने को मिल रहा है तो फिर आपका जो इवेपोरेटर टेम्परेचर सेंसर होता है वो फॉल्टी हो चुका है, वो शॉर्ट सर्किट के रीज़न से ख़राब हो चुका है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, उसी रीज़न से हमें E3 एरर कोड देखने को मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, आपके पास अगर सेंसर अवेलेबल है तो आप सेंसर को वहीं चेंज कर दें, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी गाइस। बट गाइस, अगर आपके पास सेंसर नहीं है तो आप चाहे PCB कार्ड को भी लेके जाएं साथ में खोल के, या फिर सेंसर को लेके जाएं और आपको अगर सेंसर मिल जाए आप उसको चेंज कर दें, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी गाइस। तो गाइस, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।